कृष्णा, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों से भारत और हिंदुओं के ऊपर जिहादी और इवेंजलिस्ट एक सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। झारखंड में जो उस ब्राजीलियन जोड़ी के साथ हुआ था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जिहादी और इवेंजलिस्ट इस घटना का फायदा उठाते हुए हिंदुत्व और भारत के ऊपर गंदगी फेंकने की बहुत कोशिश किए, इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले आई एम एशेम्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन वाला प्लेकार्ड हमारे तक बॉलीवुड वालों ने लाए। भारत में किसी भी कोने में ऐसी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो फौरन बॉलीवुड वाले पहले ये एक हैशटैग लगाकर आ जाते हैं कि आई एम एशेम्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन। पहली बात, इनमें से आधे लोगों का या तो ड्यूअल सिटीजनशिप है या फिर आधा समय विदेश में ही बिताते हैं, पर यहाँ हमारे लोगों को गिल्ट ट्रैप में रख देते हैं। वैसे ही इस बार भी मैंने काफी हिंदुओं को स्पेशली देखा है जो ये बात कहे। अब इसी चीज को काफी दिनों से इवेंजलिस्ट और जिहादी कर रहे हैं, गिल्ट ट्रैप। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फायदा उठाते हुए एक अमेरिकी इवेंजलिस्ट ने लोगों का धर्मांतरण करने की कोशिश किया था, तो जिहादियों ने अपने मजहब का प्रचार करना शुरू किए। इस घटना का जिम्मेदारी हिंदुत्व को ही घोषित कर दी, जहाँ की उनको हिंदुत्व के बारे में पता ही नहीं, ना ही उन अपराधियों के बारे में। तो उन इवेंजलिस्ट के लिए सवाल है जिन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की। ये 2020 का फ्रेंच रिपोर्ट है जिसमें लिखा है 1950 से लेकर 2020 तक लगभग 330,000 से अधिक बच्चों का चर्चों में बलात्कार हुआ है। ये तो आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा कांड है, वो भी एक रिलीजियस जगह पर। तो इन इवेंजलिस्ट के हिसाब से दुनिया भर के ईसाइयों को दोष ठहराना चाहिए, उनको शर्म से मुंह ढकना चाहिए, है ना? पर आपने कभी देखा किसी ईसाइयों को कहते हुए कि मैं ईसाई होने पर शर्मिंदा हूँ? नहीं। अमेरिका में पिछले 45 दिनों में 11 भारतीय हिंदू विद्यार्थियों को बेरहमी से हत्या किए गए थे, क्या इसके लिए पूरे अमेरिका को और ईसाइयों को दोष ठहरा रहे हैं? ऐसे कहते जाएं तो बाइबल में सैकड़ों वाक्य ऐसे हैं जिनमें गैर विश्वासियों के प्रति जहर भर भर के लिखा है। कभी कोई ईसाई शर्मिंदा महसूस हुआ उस नफरत के लिए? इनफैक्ट मैंने बहुत से लोगों को उन वाक्यों का समर्थन करते हुए देखा है। अब आई जिहादियों की, तो वे काफी दिनों से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका मजहब महिलाओं का सम्मान करती है और भारत से ज्यादा अफगानिस्तान बेहतर है। इससे एक चीज हमें स्पष्ट हुआ है कि सारे मॉडरेट मुस्लिम भी इस मामले के बहाने तालिबान का समर्थन किए और वे चाहते हैं कि तालिबान जैसे रूल सारे गैर विश्वासियों के देशों में भी लागू हो। दूसरी चीज, कुरान में ऐसी मासूम सी बच्ची आयशा का बात उठाने पर ही आज नुपुर शर्मा को बलात्कार और मौत की धमकियां मिली हैं। और शायद भूल गए हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास में सबसे बड़ा कांड जहां 250 लड़कियों के साथ शोषण हुआ था, अजमेर कांड, जो अजमेर दरगाह के खादिम फारूक चिश्ती ने शुरू की थी। मैंने अभी जितने भी उदाहरण दिए थे वो सब सैकड़ों मामलों में से एक दो हैं। पर अब यही लोग आकर हिंदुत्व को दोष ठहरा रहे हैं, जिसको उस झारखंड कांड से कोई लेना देना नहीं है। गर्व करो हिंदू, तुम्हारा धर्म एक ही है जिसमें महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, उनकी एक पहचान देती है। अगर जो भी धर्म के इस बात को नहीं समझता तो उसे शर्मिंदगी की महसूस होनी चाहिए, ना कि पूरे हिंदू समाज को या भारत को। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।